नमस्कार आर एस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम महाराष्ट्र रेसिपी झिरका बनाना सीखेंगे हमने यहाँ एक कप भुनी हुई मूंगफली ली है और उसका दरदरा सा हमने इस तरह पाउडर कर लिया है इसे हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में और इसी मिक्सी जार में हम हरी मिर्च अदरक और दो चम्मच नारियल सूखा नारियल लिया है हमने और एक मुट्ठी धनिया लिया है इसे भी हमने दर दरा पीस लिया है देखिए इसे बिना पानी के ही हमने इसे पीस लिया है अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल उसमें डालेंगे जीरा आधा छोटा चम्मच हेंग और जो मसाले पीस के रखे थे वो डाल देते हैं और इसे हम दो मिनट तेल में ही फ्राई कर लेते हैं और साथ में हल्दी पाउडर डाल देते हैं देखिए अब दो मिनट हमने इसे भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे पानी यह ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता है यह थोड़ा पतला ही रहता है हमने लगभग इसमें डेढ़ ग्लास पानी डाला है और जो हमने मूंगफली कूट के रखा था उसे डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं यह पतला ही बनता है अगर आपका झिरका थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और एक चम्मच शक्कर डाल दिया है अब हम इसे पकने देते हैं अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो या सब्जी खाने का मन ना करे तो आप इसे बना के खा सकते हैं यह बहुत टेस्टी लगती है इसे हमने सात से आठ मिनट तक पका लिया है जब यह पक जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस और अब हम गैस बंद कर देते हैं यह चावल के साथ रोटी के साथ में या बाजरे जवारी की रोटी के साथ में खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप इसे ज़रूर ट्राई करें आपको पसंद आएगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके धन्यवाद